नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। शायद यह पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि चाहे स्थिति कैसी भी हो जाए, पाकिस्तान के तमाम मामले भारत के मामलों से 50% ऊपर नहीं जाने देने हैं। यही कारण है कि भारत में संक्रमितों की तादाद जहां 37,336 हो चुकी है, वही पाकिस्तान में 18,114 ही हुई है। भारत में 1,218 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि पाकिस्तान में 417 टोपीबाज टोपी उड़ाते हुए फुर हो गए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ या हो रहा है, उसने पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। कल सुबह से सीपैक एक बार फिर जंग का अखाड़ा बन गया है। यहाँ स्थानीय लोगों ने न केवल रास्ते रोक दिए, बल्कि 14 से ज्यादा चीनी नागरिकों की ठुकाई भी की है। सैकड़ों की संख्या में पख्तूनों ने यहाँ रह रहे चीनी नागरिकों पर धावा बोल दिया। चीनी नागरिकों ने किसी तरह छुपकर अपनी जान बचाई है। बड़ी बात यह है कि प्रशासन ने देर रात तक वार्ता करके इन चीनियों को आजाद करा लिया है। अब स्थानीय नागरिक इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनके राज्य में मौजूद चीनियों को तुरंत उनके मुल्क वापस भेजा जाए, साथ ही सिंजियांग प्रांत से लगती सीमा को पूरी तरह सील किया जाए। चीनियों पर हुए इस दावे से खुद चीनी प्रशासन भी गुस्से में है। उसने पाकिस्तान से चीनी नागरिकों की सुरक्षा मजबूत करने की बात दोहराई है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते भी सीपैक पर ऐसा ही एक और वाकया हुआ था, जब स्थानीय लोगों ने सीपैक को क्षतिग्रस्त करने के साथ सड़क मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया था। दरअसल पंजाब और सिंध के बाद पाकिस्तान का तीसरा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा है, जहां सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यहां 2800 से ज्यादा मामले हैं और 8 दिन के औसत से यह दुगने होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 8 दिन पहले मरीजों की संख्या 1,132 थी, जो अब जाकर 2800 के करीब पहुंच गई है। यह इस वायरस के पैर पसारने के पीछे चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है। यह पूरा इलाका पहाड़ियों से घिरा हुआ है, साथ ही इसकी सीमाएं चीन के सिंजियांग प्रांत से जुड़ती है। यहीं से चीन और पाकिस्तान के बीच अरबों डॉलर की लागत से बन रहा आर्थिक गलियारा भी गुजर रहा है। कोरोना वायरस के चलते हुए भी यहाँ 2 से 3 हजार चीनी नागरिक मौजूद हैं। इससे पहले यहाँ 10,000 चीनी रहते थे। ये चीनी नागरिक इस प्रांत में आसानी से आ जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने इस वक्त भी इस सीमा पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। दरअसल चीन निर्माणाधीन सीपैक को पाकिस्तान के भरोसे छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए उसने अपने श्रमिकों को इसकी देखभाल के लिए यहां रहने को कहा है। पाक सरकार और स्थानीय प्रशासन भी इस सीमा से नजरें फेर चुका है। बीते 3 माह के दौरान चीन से आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों ने भी इस सीमा का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से पहाड़ियों से घिरे इस इलाके में संक्रमण ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। रही सही कसर यहाँ के कट्टरपंथियों ने पूरी कर दी है। इन कट्टरपंथियों के आगे इमरान लोंडा पहले ही बेबसी जाहिर कर चुका है। लोगों के बढ़ते गुस्से की एक वजह यह भी माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रांत सरकार केवल पैसे वाले लोगों की जांच कर रही है। उनका कहना है कि यहाँ पर हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही है, मगर सरकार मुआवजे के डर से उनको सूचीबद्ध नहीं करती है। सरकार अभी भी यही दिखाने की कोशिश में है जैसे यहाँ के हालात बिल्कुल ठीक हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने ईरान से लगती पश्चिमी सीमा और अफगानिस्तान से सटी सीमाएं बंद कर दी थी, जबकि वहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या यहाँ से काफी कम थी। अब स्थिति यह है कि गिलगित बाल्टिस्तान में भी यहाँ से कोरोना का प्रसार हो गया है। पख्तून सिविल सोसाइटी नामक समूह ने साफ कर दिया है कि चीनियों की वजह से उनके लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। अब सबर की सीमा समाप्त हो चुकी है। अगर सरकार ने उन्हें नहीं खदेड़ा तो फिर स्थानीय नागरिक चीनियों को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात यह है कि सीपैक को लेकर यहाँ उग्र प्रदर्शन होना आम बात हो चुकी है। कोरोना वायरस महामारी ने यहाँ चीन के प्रति गुस्सा काफी तीव्र कर दिया है। हालांकि प्रांत सरकार ने यहाँ चीनी नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराई है, मगर प्रदर्शनों में बढ़ती भीड़ की संख्या उसके लिए सिरदर्द साबित हो रही है। सोसाइटी का कहना है कि इस इलाके में 3,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, मगर सरकारी आंकड़े सच्चाई से बिल्कुल परे हैं। उनका कहना है कि यहाँ किसी भी व्यक्ति की टेस्टिंग नहीं हुई है। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में जाता है तो उसका सैंपल ले लिया जाता है। जो लोग सेल्फ क्वारंटीन है उसमें से सैकड़ों लोग दम तोड़ चुके हैं, मगर प्रशासन का कोई आदमी उनका हाल जानने नहीं आया। यानी अभी ऐसा आप है कि कैसे पाकिस्तान संक्रमण के मामले भारत से 50% पर रखे हुए हैं।
मगर उसे ये नहीं मालूम है कि इस दिखावेपन में उसी का नागरिक बलि का बकरा बन रहे हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।